ऐसे ही बचाना, ऐसे ही बचाया जाता है। एक बार सड़क इधर देखिए, यह सड़क है और यह है। सत्यम हमारी शुभकामनाएं। सत्यम ने बताया कि एक बरगद को लोगों ने बचाया है और सत्यम ने जैसे फोटो दिखाया तो हम कई किलोमीटर चढ़ करके आए हैं दूर से। तो आप लोगों ने इससे बहुत सर आस्था लगी थी क्योंकि हमारे तो परबाबा की जमाने का लगाया बटवृक्ष और इसको उन्होंने बहुत संजोया, बहुत संजो करके इसको तैयार किया। क्या नाम था उनका जो दादाजी लगाए थे? बाबा का तक तो नाम है हमारा देवी चरण त्रिवेदी, बाबा जी का नाम था, पिताजी का नाम बहुत अच्छा त्रिवेदी, पर बाबा का नाम याद नहीं है लेकिन उनकी फोटो घर में लगी। अच्छा, याद कर लीजिएगा। हमको तो 8-9 पीढ़ियों का याद है। अच्छा, 8-9 पीढ़ियों का याद है, याद कर लीजिएगा उसको। और तो परदादा जी ने लगाया था, परदादा जी ने 150 साल से अधिक का यह हो गया। चंद्रागढ़ का दर्शन किया आपने और इसका भव्य दर्शन आप कर रहे हैं। और यहाँ के जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया है भैया, यह प्रणाम उनको करके जा रहे हैं। यह कोई नौटंकी नहीं है जी, ये उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वह लोग धन्य हैं। इससे हमारा जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं किसी मंदिर मस्जिद में मैं जाता हूँ, आस्था हमारी नहीं आती है, आस्था नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ आस्था हमारी। और निश्चित ही यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, डी बाबा सैयद बाबा और जो भी हैं सारे देवी देवताओं का यहाँ वास है। यहाँ किसान ही था और किसान तो अन्य देवता है, लोगों को तो पालन पोषण करता है। जिस तरह वृक्ष कमों में फल बकाए, नदी संचय नीर पर भारत के कारण है साधु धरा शरीर, उसी तरह से किसान भी जो पैदा करता है जनता को पब्लिक को ही खिलाता है। वो तो बेचारा साग रोटी भी नहीं खा पाता। त्रिपाठी जी और भी लगाइए इस प्रसाद में, कुछ और लगाइए जी, लगाएंगे अब फिर आएंगे। हम वृक्षारोपण सर, हमने हमारे एक फुलवाई है उसमें काफी में वृक्षारोपण किया है और हम वृक्ष को कभी काटना पसंद भी नहीं करते। काटेंगे तो परिवार का नाश। हमारा जब भी कोई वृक्ष का पेड़ का जांघा या डंगार गिरती है तो हमको कष्ट होता है, यार ये क्यों गिर गई, तो हम प्रयास करते हैं। एक तीर्थस्थली पर मैं आया हूँ सर, ये तो सब तीर्थस्थली, ये शंकरपुर शंकर जी की पावन धरती है, ये हमारा गांव शंकर जी की पावन धरती है। वाह वाह। और यहाँ जो है ये तीर्थ स्थली ही है, माँ गंगा के पावन तट पे बसा। और हमारे गांव कम से कम 50-60 शिवालय हैं बड़े विशाल, ये शंकर जी की पावन धरती। वाह। हाँ, हमारे दादाजी एक कविता कहा करते थे कि चलिए हम लोग सुंदर कांड पर चलते हैं। सुंदर कांड में इतना बढ़िया पर्यावरण हमारे, नहीं नहीं अब बताए। हाँ। वो कहते ये थे, हमारे नगर का आलम सभी नगरों से न्यारा है। हाँ हाँ हाँ। हमारे नगर का आलम हाँ। सभी नगरों से न्यारा है। हाँ। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद। हाँ। हाँ। कहीं दरिया किनारा है, गंगा जी का दरिया किनारा। वो 7-8 लाइन की कविता से गाते। वाह 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 वाह। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं लोग उतरे सड़क पर चाप दिया, यही भारत हमारा है जी। लोग उतरे सड़क पर औकात को नाप दिया, यही भारत हमारा है। ऐसे ही भारत की कल्पना हम करते हैं कि चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे मायावती हो, चाहे सोनिया हो, जो भी औकात में नहीं रहेगा आम आदमी उन्हें औकात में ले आ देगा। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। शर्म नहीं लग रही थी? थोड़ी सी सड़क घुमवा नहीं सकते थे? लाठी चलवाए, लाठी चलवाओगे और कहोगे हम पर्यावरण बचा रहे हैं? चाहे जो लोग भी हो, जिनको हो, उनकी बात कर रहा हूँ। धन्य है यहाँ के लोग, उनको विनम्रता के साथ फिर से प्रणाम करते हुए। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। अगल बगल गांव थोड़ा बता दीजिए, लोग देखने भी आएंगे इसको। अगल बगल गांव ये हमारा शंकरपुर है, शंकर बगल में ये पीपरी गांव, पीपरी गांव। हाँ, हाँ। इसके बगल में पास ही में जो है एक गंगौली गाँव। हाँ, हाँ, हाँ। और बगल में शंकर एक सन्नी पंचायत। हाँ, हाँ, हाँ। अगल बगल यही गाँव है, बाकी फिर दूर दूर के गाँव। तो दोस्तों, अगर कभी कानपुर आप आइए तो इस स्थान पर भी आइए और दर्शन करिए। और वाह वाह, अच्छा ये उन्नाव में। हाँ, ये उन्नाव है। वाह वाह वाह। अब भैया कुछ तो है, कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी। चंद्रशेखर आजाद ये पूर्वज यहाँ रहते थे, बलही मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये मिट्टी ही ऐसी है यहाँ जो आया। आप कानपुर के हैं? हमारे फूफा जी बैरी जुगरातपुर से, थोड़ा सा मिट्टी ले आओ हम लगा ले। बैरी जुगरातपुर से थे हमारे गांव आए, हमारे फूफा जी थे, हमारे बाबा लिवाला हमारे गांव आए। वो यहाँ ऐसे बसे, यहाँ मेडिकल अफसर हो गए, उनके 5 बच्चे हुए, एक एयरपोर्ट में इंजीनियर हुए, एक अध्यक्ष चार बार हुए बार के, मतलब उनको यहाँ की मिट्टी इतना भाई, ये हमारे गाँव की जन्मभूमि ही ऐसी है।
भैया इस मिट्टी को सर माथे पर लगा रहा हूँ और यही वह मिट्टी ताकत देगी ना। यह जो बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं सब, किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, उन्नाव की जय हो। तो दोस्तों ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। कभी कभी कड़ा बोल देता हूँ ना, फांसी लगाए थे हम लोग, नहीं माने ये सब, नहीं माने कि बड़बड़ बड़ अरे इनका काम है, अगर इनकी चले तो ये लठिया करके कब का बंद कर देंगे जेल में। तो चलिए विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।